नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। समीकरण तो पल पल बदल रहे हैं, इतने अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं कि आपको उतने अपडेट्स देने के लिए हर 5 मिनट पर हमें एक खबर करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम समुचित तौर पर आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए लगातार आप दर्शक और कई नेता हमें फ़ोन करके जानना चाह रहे हैं कि RCP सिंह के भविष्य का फैसला क्या होगा। कल रात में एकाएक मुलाकात होने के बाद समीकरण थोड़े बदले थे और उन बदले हुए समीकरणों में कुछ लोगों का दावा ये था कि नीतीश कुमार फिर से एक बार RCP सिंह को मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राज्यसभा का पत्ता कब तक खुलेगा JDU की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी हो गई है। राजद ने तमाम विरोध के बावजूद फैसला लालू यादव के हक में छोड़ा। लालू यादव ने जो फैसला लिया उसे कार्यकर्ताओं ने मान लिया। हालांकि शहाबुद्दीन का जो बड़ा पक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है। हिना साहब भी सामने आई और उन्होंने भी जो बातें कहीं उससे स्पष्ट हो गया कि अब जो शहाबुद्दीन का पूरा जत्था था, बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है, जो समर्थकों का वर्ग है, वो राजद के साथ आगे चलने वाला नहीं है। अब मान मनोबल का दौर तो जारी है, लेकिन इस बीच तेज प्रताप के एक पोस्ट ने भी कहीं ना कहीं जो नाराज कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी को और बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ सबसे जो महत्वपूर्ण खबर अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि भाजपा ने भी नीतीश कुमार के रवैयों को भांपते हुए अपना जो रवैया है उसे थोड़ा कड़ा किया है। भाजपा की तरफ से मोर्चा संभालते हुए मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े जितेंद्र मांझी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने एक मैसेज दिया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो लोग जो NDA छोड़कर जाने वाले हैं या चले गए हैं, उन्हें क्या हश्र हुआ उनका ये समझना चाहिए। कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी के साथ इनकी अदावत बहुत फेमस हुई थी। मुकेश सहनी के साथ लगातार वाकयुद्ध के बाद मुकेश सहनी के मंत्रालय से भी छुट्टी कराई, उनके विधायकों को भी भगदड़ कराया और जो जो दावा इन्होंने किया था उन सारे दावों को जमीन पर उतारा। लेकिन आज एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में NDA मतलब नीतीश और भाजपा, भाजपा का नेतृत्व सीधे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 8 साल का उनका जो शासनकाल है वो बहुत स्वर्णिम रहा, देश ने बहुत विकास किया है। ये बात स्वयं नीतीश कुमार भी मानते हैं और नीतीश कुमार के विकास के विज़न को हम भी साथ मानकर साथ चलते रहते हैं। लेकिन बिहार में कुछ लोग ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, नीतीश कुमार राजद से चले जाएंगे। तो राजद का सपना हमेशा सपना ही रहेगा, पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई NDA गठबंधन से बाहर जाना चाहता है तो उसे ये देखना चाहिए कि जो लोग बाहर गए हैं उन्हें क्या स्थान और सम्मान मिला है। सीधा तौर पर उनका इशारा मुकेश सहनी की ओर था, लेकिन इशारों में मुकेश सहनी का प्रतुक देते हुए उन्होंने सीधा हमला नीतीश कुमार पर कर दिया। और हाल में हमने देखा कि लालू यादव की वापसी और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार के जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, खास बात यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार अड़ गए हैं इस पर पीछे नहीं हट रहे हैं और भाजपा इसमें कटघरे में खड़ी होती जा रही है। अब इन देखते हुए जो घटनाएँ हो रही हैं, भाजपा ने कहीं ना कहीं नट बोल्ट को कसने का कोशिश की है। इससे नीतीश कुमार को कितना फर्क पड़ता है ये तो देखना होगा, लेकिन बयान तो भाजपा ने दे ही दिया है कि जो NDA गठबंधन छोड़कर जाएगा उसका हश्र कैसा होगा वो तो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।